हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री को लिखी चिट्ठी, कमर्शियल माइनिंग की नीलामी 6 से 9 माह तक रोकने का आग्रह। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है, मैं हूं चाहत सिन्हा। झारखंड सरकार ने कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग शुरू करने के केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया है और राज्य हित में इसकी नीलामी पर 6 से 9 माह तक रोक लगाने का आग्रह किया है। इसके लिए कई तर्क भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को इस संबंध में एक पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा देश के कोयला क्षेत्र को कमर्शियल माइनिंग के लिए खोलने का फैसला सही मायनों में ऐतिहासिक और साहसिक कदम है। झारखंड जैसे प्रचुर खनिज संपदा वाले राज्य के लिए यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। बेहद आकर्षक नीतियों के बावजूद हम अपनी खनिज संपदा के लिए पर्याप्त निवेश को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष 2000 में अलग राज्य बनने के बाद से ही हमारे राज्य के लोग ऐसे इंडस्ट्रियल विकास का आकांक्षा रखते आए हैं जिससे समावेशी विकास और सभी के लिए समृद्धि सुनिश्चित हो। तत्कालीन NDA सरकार ने झारखंड अलग राज्य का निर्माण हमारे वंचित वर्ग के कल्याण और उनकी प्रगति के एकमात्र उद्देश्य के लिए किया था। पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार कोयला और लौह अयस्क ऐसे दो महत्वपूर्ण खनिज है जो नीलामी के लिए सामने आएंगे। ये दोनों खनिज उन जिलों में पाए जाते हैं जहां पर्याप्त मात्रा में जंगल है और यहां अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग समुदाय की आबादी आनुपातिक रूप से अधिक है। पत्र में CM ने लिखा है कि यदि नई नीति वैज्ञानिक तरीके से नवीनतम तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल कर खनन करने के लिए चर्चित सर्वश्रेष्ठ विदेशी और घरेलू निवेशकों का आकर्षित करे तो यह राज्य के लोगों के व्यापक हित में होगा। पत्र में कहा गया है कि झारखंड सरकार नीलामी प्रक्रिया में प्रस्तावित प्रतिस्पर्धा और समान अवसर दिए जाने के खिलाफ नहीं है। हालांकि COVID-19 महामारी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों के कारण बहुत से देशी विदेशी निवेशक प्रस्तावित नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान आर्थिक मंदी के परिदृश्य में बहुत से घरेलू उद्यम वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। CM ने लिखा कि इसके अलावा हम वर्तमान सामाजिक और पर्यावरणीय परंपरा के अनुकूल समावेशी खनिज विकास सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस मोर्चे पर एक सर्वमान्य नीति तैयार करने के लिए हमें विभिन्न हितधारकों के साथ और अधिक विचार मंथन की आवश्यक है ताकि सामाजिक आकांक्षाओं, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन पैदा हो सके। पत्र में कहा गया है कि झारखंड सरकार अपनी खनिज संपदा की नीलामी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की इच्छा रखती है, लेकिन वह यह भी चाहती है कि पूरी नीलामी प्रक्रिया राज्य और आर्थिक वातावरण के सुधरने के बाद संचालित हो ताकि इसमें निवेशकों की अच्छी भागीदारी हो सके। हेमंत सोरेन ने लिखा है कि उपरोक्त बिंदुओं के आलोक में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि प्रस्तावित नीलामी प्रक्रिया पर 6 से 9 महीने तक की रोक लगाई जाए ताकि नीलामी प्रक्रिया सुनिश्चित हो जिसमें झारखंड राज्य में समावेशी खनिज विकास सुनिश्चित हो सके। अभी के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ।